जलालपुर पीलवाड़ा में मानसून बारिशों के बाईस कपास की फसलें मुतासर होने का अंदेशा है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे मुजफ्फर अयाज ताहिर से। जलालपुर पीलवाड़ा एक ज़राई बेल्ट है, यहाँ पर गंदम और कपास की फसल होती है और जो किसानों का इन्हसार है इन दो फसलों पर है। आजकल बारिशों का स्पेल चल रहा है, मानसून बारिशें हो रही हैं, जो बारिशें हो रही हैं कपास की फसल को नुकसान है। मेरे साथ ज़राई माहरीन मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं कि क्या नुकसान है और इसके हल के लिए क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल, मुसलसल बारिशों की वजह से दीगर फसलात के साथ साथ कपास की फसल को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। फ्रूट की शेडिंग हो गई है, इसके अलावा यहाँ पे मिली बग और जेसड का हमला बढ़ गया है। तो किसानों को चाहिए कि एक तो बारिश का पानी फसल में खड़ा ना होने दें, इसके अलावा अगर फसल पीली हो जाए तो 2% यूरिया का महलूल बनाकर स्प्रे करें। इसके अलावा पेस्कॉटिंग करते रहें, जैसे ही महकमा मौसमियात मौसम क्लियर बताए तो इन ज़रर रसां कीड़ों के खिलाफ स्प्रे किया जाए ताकि इनका तदारक हो सके। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बारिशें हो रही हैं, जो बारिश का पानी है वो फसलों में ना खड़ा होने दें। दूसरी तरफ इन्होंने ये बताया कि कोई भी ऐसी सूरत हाल आ जाए तो फौरी तौर पर महकमा ज़राअत से रब्ता करें। जी